so because of the education uh, also another advantage i got was i got to, got in touch with uh, several gentlemen in india who are experts in blockchain technology and uh, i'm just closely watching this because i'm just reading on linkedin that uh, they are the white paper which is gone to sebi and i believe this could happen if uh, today the investment in that real estate through fractional model with blockchain technology it's at the end of the day it's a share Tomorrow, if it is, it comes under SEBI guidelines and they come as mini REITs, micro REITs, uh, this could be uh, securitized and therefore uh, it comes in DMAT format. Now, if logic goes that today we have shares which are in DMAT format, I need money. You don't have to sell that share. You can just talk to your banker that, boss, I have got these kind of uh, stocks in my DMAT account and uh, you can pledge them and take a loan against it. So you don't need to even sell that asset. So you temporarily have a problem, uh, sell, uh, uh, just take a loan against that. So same thing here, if all is well, this is what I understand, uh, if this comes in DMAT format, your holdings in different uh, asset classes, so today it's in warehouse, it could be a floor plate and a great tenant in some other city, the beauty is it you can sit down here, do a smart contract, you don't have to leave your Share also to go and register the document because at the end you are investing in the stock, you're a shareholder, uh, a debenture holder. So, as I understand, if today this is uh, Indymat, you can take a loan against that particular stock. So, you won't need to sell it. So, right now, if there's no secondary exchange for sale, which will also come in due, due process of law, I mean, as they set up the guidelines for it. <laughs> इन टूडेज पॉडकास्ट अवर गेस्ट इज मिस्टर ज्योतिष नारंग आज हम जानेंगे कि कैसे एजुकेशन एक नॉर्मली ब्रोकर uh, को एक कंसल्टेंट से अलग करता है एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आज रियल इस्टेट में यू विल नो हाउ पीपल आर एट्रैक्टिंग द क्लाइंट्स नावडेज और ये नए नए चीजें जो आ रही है मार्केट में ये सब करने के लिए आपको एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सो स्टेट यून वेलकम ज्योतिष फॉर पॉडकास्ट

एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई आई एम अ साइंस ग्रेजुएट फिजिक्स ग्रेजुएट विदिल बिट ऑफ एन आई आई डिड अ माइनर इन कंप्यूटर साइंस उसके बाद आई डिड अ कोर्स विथ एन आई आई टी आई डिड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड देन आई स्टार्टिड माई ओन बिजनेस किसी को भी अपना बिजनेस चालू करने के लिए मेन चीज़ क्या होती है कंप्यूटर बिजनेस है तो कंप्यूटर चाहिए और मेन चीज़ ऑफिस चाहिए तो एक एडवांटेज थी कि हमारी खुद फैमिली की बिल्डिंग थी वहाँ मुझे जगह ऑटोमेटिकली मिल गई सो यू हैर्नी पब्लिशिंग विच टूडेज इज अ डिज़ाइन स्टूडियो थर्टी थ्री ईयर्स बैक बट वॉट एम कमिंग टू इज इवन देयर इन दैट जर्नी अवर मेन थिंग वॉज क्लाइंट डिलीवरीज अगर हम टाइम पे नहीं देंगे डिलीवरी तो वो फायदा ही नहीं है तो मेरी वो जो प्रैक्टिस है थर्टी थ्री ईयर्स से इज टू कीप क्लाइंट्स नंबर वन प्रायोरिटी और काम ऑटोमेटिक आता है तो फोकस वॉज नेवर ऑन मनी फोकस वॉज ऑन यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्लाइंट डिलीवरीज़ ऑन टाइम और वहाँ चौदह चौदह घंटे भी हम लोग काम करते थे क्लाइंट बोलता था मुझे कल से मेरे प्रजेंटेशन चाहिए तो हम करते थे और इस सो नाइनटीन नाइन्टी स्टार्टेड माई जर्नी नाइन्टी फोर में हम लोग यू एस ए गए थे एक हॉलीडे के लिए तो वहाँ ऐसे ही अंकल से मिले तो अंकल ने मैंने इसी बोला कि हम लोग यहाँ कैसे जा रहे हैं छुट्टी के लिए तो बोला यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया था और यहाँ मैंने यहाँ सिस्टम ऐसा है ये तभी प्रिलीज की बात नहीं होती बट टेक्निकली इट्स अ प्रिलीज प्रॉपर्टी तो होटल कंसेप्ट की की कंसेप्ट सो यू इन्वेस्ट इन दैट एंड देन यू गिव इट आउट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर एंड यू कैन यूज इट यू लॉ लेट्स से ट्वेंटी डेज अ ईयर सो यू बुक इट इन एडवांस सो लेट्स से फोर टाइम्स अ अयर यूज टू गो फॉर फाइव डेज बाकी तो रेंटल इनकम पैसिव इनकम जो सो इंपॉर्टेंट so है ये नाइन्टी में मुझे मेरे अंकल ने सिखाया ये बात तो जब मैं मुंबई आया तो मैंने डैडी से बात की और मम्मी से और मैंने वाइफ भी तो भी बोला भाई वी शुड हैव आर ओन प्रॉपर्टी सब फैमिली प्रॉपर्टीज़ है भी तो एक देखते हैं खुद की प्रॉपर्टी एक तब पूना एक रिटायरमेंट पैराडाइज था तो या वो दिन में वो वो, वो उन दिनों में भी एटीज़ में भी जब हम डॉक्टर के पास जाते थे ऐसी द वर्ड टेंशन स्ट्रेस दीज व नॉट यूज यू नो डॉक्टर न्यू इट इज़ दैट वो बोलता था जाओ आप हिल स्टेशन जाओ आप पूना जाओ अब ठीक हो जाए बट बेसिकली वॉट यू नीडेड टू वज टेक अ ब्रेक फ्रॉम हार्ड वर्क सो दोज इयर्स आई केम टू पूना एंड वी इन्वेस्टेड इन कोरेगांव पार्क दो तीन प्रॉपर्टीज देखे और कोरेगांव पार्क में एंड आई वॉन्ट टू से दिस दैट वी इन्वेस्टेड एट सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज इफ यू टेक अ ऑन सेलेबल एरिया ओके यू इमेजिन वाई एम टेलिंग यू दिस एंड दोज इयर्स वी कुड जस्ट कम फॉर अ हॉलीडे इफ इट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ सेकेंड होम देर वॉज नो मॉनिट्री लाइक आई कुड गिव इट ऑन रेंट और अब रियल इस्टेट का प्ले ऐसा है उन दिनों से ही मैं समझ गया क्योंकि एक दो साल हम लोग देख रहे थे कुछ रेट भी ऊपर नहीं बढ़ रहा था तो मैं बोला ये क्या हो रहा है अजीब है अच्छा और दोज ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो था इतनी गाड़ियाँ नहीं थी काज वर अ मोर ऑफ अ लग्जरी ये तो आज नेसेसिटी हो गई है हर फ्लैट में भी आज दो दो गाड़ी तीन तीन गाड़ी भी होती है तो द पार्किंग्स अकॉर्डिंग टू द स्मॉलर कार्स बट ठीक है तब कल्याणी नगर मुझे जाना था कोरेगांव पार्क से तो मुझे घूम फिर के नगर रोड से जाना पड़ता था। तभी कोई इंफ्रस्ट्रक्ट्रक्ट्रस इंफ्रस्ट्रक्ट्रक्ट्रस था नहीं ऐसा नहीं था। तो ये करीबन हम लोग रुके देखे हॉलिडे होम के लिए यूज़ कर रहे थे फिर मैं 2000 में आया पुना और बोला एक ब्रांच ऑफिस चालू करते तो जब मैं आया यहाँ पुना तो वहाँ मेरे ओन स्टाफ एक से चार बोलते थे सी टाइम हम जा रहे थे सोने <laughs> और uh, क्लाइंट भी जो आया मुझे ये मुझे ये डिज़ाइन और प्रिंट चाहिए ये डिज़ाइन कब बताओ कि मैं बोला दो घंटे में बोला नहीं नहीं मैं डिज़ाइन तो दो दो हफ्ते के बाद आऊँगा करने और uh, प्रिंटिंग तो मुझे एक महीने में चाहिए और जो हम लोग बॉम्बे में ये एक दिन में निकालते थे तो आई ऑनेस्टली ऑनस्टली मैं बोलता हूँ तो मैं वापस बॉम्बे गया और वो मेरा हॉलीडे होम जैसे था माई पेरेंट्स इनफैक्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉम्बे दे वर लिविंग देर बट टू थाउजेंड फाइव वॉट इज इंटरेस्टिंग इज जो कल्याणी नगर जो ब्रिज बनी अराउंड सी दैट स्मॉल पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वॉट डिफरेंट्स इट मेड टू द बिल्टअ अप इन्वायरमेंट जो रियल इस्टेट थी द कॉस्ट इन कोरेगांव पार्क स्टार्ट यू नो इन्वेस्टमेंट प्राइस स्टार्ट गोइंग अप कॉस्ट ऑफ रियल इस्टेट कॉस्ट ऑफ रियल इस्टेट इन कल्याणी नगर एंड दैट्स वाई Those people who couldn't afford Koregma Park, Kalyani Nagar, Viman Nagar got a boost. So, this is what happens. So, when a small piece of infrastructure, just a bridge connecting uh, Koregma Park to Kalyani Nagar, can make a difference. Today, traffic is such a pain point we are seeing in Pune. I'm going a little off, but uh, if you see the way work in progress, what infrastructure can do to a city and the built up environment. So, I think it's a really right time to uh, invest. So finally, I moved to Pune in two thousand five, and uh, bought a bigger house here. As compared to Bombay, uh, I think uh, you have a larger space here at the same price. What you would put, uh, you know, I was getting maybe one fourth the area in uh, South Mumbai those years. So that's how. And uh, then finally, I started my own real estate practice uh, in two thousand fourteen. I started my own uh, practice. Life so inspiration. So how how you came into this business? Actually, yeah, aapka स्टार्टिंग में कुछ अलग ही बिजनेस था रियल इस्टेट में आने के पीछे रीजन क्या था कि रियल इस्टेट वॉज एक्चुअली वो टाइम में इतना पूना में था भी नहीं तो मैं बताता हूँ आपको तो ऑल दिस ऑब्जर्विंग दैट हाउ पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स अ डिफरेंस टू द रियल इस्टेट सो यू कैन लुक एट इट एट दैट टाइम आई वॉज जस्ट अ इन्वेस्टर एंड रनिंग माई ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो विथ माई वाइफ नाउ सो ऑब्जर्विंग हाउ थिंग्स हैपन हाउ द रियल इस्टेट रेट्स वेंट अप इन टू थाउजेंड टेन आई वॉज नॉट एट अ ब्रोकर राइट बट यू न्यू पू यू अंडरस्टूड पूना बिकॉज फाइव ईयर्स यू वॉज सेटल योर एंड एड इन्वेस्टेड्स इन नाइनटी फाइव अंडरस्टैंडिंग द मार्केट वॉट इज हैिंग वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे कॉल्डा पैन सेट मुझे पूना में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये डेवलपर सैम्पल फ्लैट्स बनाए हैं उन्होंने आई कैन यू जस्ट अ कंपनी में मैं बोला श्योर आई एल कम विथ यू आई रिमेंबर वीक एंड था एंड बहुत रश थी बिकॉज नॉर्मली क्या है पेपर एड्स होते थे

तो बट इतना भी बताया था कि यानी कुछ ई जो हर महीना है जो पेमेंट है आप वो अगर देरी से दोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा okay. और फाइनली uh, uh, तीन बार अगर वो कुछ फॉरफिट हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट हुआ तो मैं ये पेमेंट फॉरफिट okay, करूंगा अगर कर, तीन बार नॉनस्टॉप उसका डिफ़ॉल्ट हुआ।, हुआ तो okay. मैं ये पेमेंट कुछ ऐसे ही था स्कीम तो मेरा दोस्त जब पार्किंग वार्किंग की बात हो गई तो वो डाउन पेमेंट का चेक बना रहा था कि मैं बुक कर लूँ और तीन साल में आयोल है अपार्टमेंट हियर तो मैंने बोला भाई आप मुझे लेके आए हो मुझे एक सवाल करना है तो मैंने सिर्फ वो सेल्स वाले से पूछा कि अगर जो आप बता रहे हैं अभी इज़ अगरिंग बट मुझे एक सवाल है कि आपने ये थर्टी सेवन मंथ में उन्हें पोजीशन नहीं दिया तो क्या होगा तो बोला ही वॉज टेकन अ बैक अ लिटिल बिकॉज ये कैसे सवाल हुआ तो मैं बोला आप अपने बॉस से पूछिए तो उन्होंने कुछ बताया आके कि कुछ आ, पेनल्टी होगा और मैं बोला वो लिख के दे देना इन्हें अच्छा ये जब बात हुई तो उसके इन दिस ये दौरान में काफ़ी अंकल फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हुआ एन आर उनकी स्टोरीज़ पता लगी कि रियल एस्टेट में तो क्या होता है अगर एक दो डीले हो गई या कुछ बैड एग्ज़ाम्पल निकले कि मुझे पोजेशन ही नहीं मिला आठ साल से तभी रेरा की तो कुछ बात ही नहीं थी तो उन लोग क्या है इंडिया का नाम खराब होता था ब्रोकर लोग का नाम खराब होता था डेवलपर का नाम अभी सब तो ऐसे नहीं है आज बास्केट में एप्पल है तो सब एप्पल तो थोड़ी ख़राब है बट एक एप्पल ख़राब है तो आप बोलोगे मुझे आपसे खरीदना ही नहीं है तो सिटुएशन ऐसी हो गई तो मैं बोला मैं क्यों ये लाइन में नहीं आऊँ मैं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन है मैं क्लाइंट के बारे में आ, सोचता हूँ पहले क्योंकि ये पैसे की बात नहीं है ये पैसे डूइंग द बिजनेस करेक्टली थी तो 2014 को मैंने अपना लाइफ इंस्पिरेशन एडवाइज़र एज़ अ प्रोपराइटर मैंने चालू कर दिया और फिर उसके बाद काफ़ी डील्स जैसे आती गई और एन भी जो जिनको रीलोकेट करना था उनको मैंने बहुत मदद की एंड व्हाट आई बिलीव इज़ ओपन ट्रांसपेरेंसी मैं भी सवाल पूछता हूँ कि भाई आपके फैमिली में कौन है एजड है बच्चे हैं तो पहले स्कूल की एडमिशन बहुत ज़रूरी होती है स्कूल के क्योंकि एक एग्जाम्पल भी मैंने ऐसे देखा था जो बॉम्बे से शिफ्ट कर रहे थे और उन्होंने कल्याणी नगर में शिफ्ट किया क्योंकि घर अच्छा मिल गया और ऑफ कोर्स कंपेयर टू बॉम्बे द हाउसेस वो मच बिगर बट वो एक्साइटमेंट में क्या हुआ बच्चे लोग को एडमिशन कल्याणी नगर के कोई स्कूल में नहीं मिला उन लोग के दूसरे उंदरी ब्रांच में मिला तो वो प्रेशर बच्चे लोग के ऊपर आता है कि आपको फोर्टी फाइव मिनट्स बस में जाना पड़ता है तो आई से यू टू वर्क बैकवर्ड्स यू टू बी ओपन रियल्टर हैज़ टू अंडरस्टैंड द सिटी Understand the area where he's working, ask the right question, and so far, even the client, the potential client, should be open that this is my goal.

एड्स भी जा रहे हैं पार्टिसिपेशन भी होता है अब्रॉड में एग्जीबिशंस में बट द क्वेश्चन इज सेल्स का सेल्स टीम जो जाती है या ब्रोकर जो उनको तो बेचना ही है ना आज द क्वेश्चन इज आई से येस यू मस्ट सेल बट कीप द क्लाइंट इंटरेस्ट उनको सही दिशा आप हम बताएंगे तो वो हमें टेस्टिमोनियल देगा हमें रेफरल देगा एंड अर्निंग मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वे वी वर्क सो आई थिंक एडुकेशन सो दिस इज़ वॉट आई एव जस्ट डन फिर uh, ये स्टोरी यहाँ नहीं खलास होती है तो वही जो दोस्त जिसने दो हज़ार दस में बुकिंग की थी जब वो पूना आया तो ऐसे एक दो बार मैंने मिला और दो हज़ार पंद्रह में उनका फ़ोन आया कि अराउंड दैट टाइम ये भी तभी रेरा नहीं था कि मुझे अब थोड़ा लग्जरी चाहिए आप uh, मुझे गाइड करिए आप अभी ब्रोकर हो तो मैं बोला ठीक है और uh, दस बजे सवेरे मिले अगले दिन और बारह बजे दो घंटे में उन्होंने सिलेक्ट कर दिया अब तो मुझे पता था उनसे क्या चाहिए उनको क्या चाहिए था बजट के हिसाब से और क्या फैमिली है वो एरिया भी मैंने बता दी और उनको दो फ्लैट बताएं दो अलग अलग बिल्डिंग में और एक उन लोग ने सिलेक्ट करके बट मैंने ही उनसे एक बात समझी और मैंने भी पूछा कि आप भी अभी पूना में रहते हो बोलते आपको स्टोरी पता नहीं है तो मेरे थोड़े फ्यू मंथ्स की डिले हुई थी और मेरे डैडी ने ये बताया कि आपने कस आप ये सब क्वेश्चंस पूछते हो कस्टमर के हिसाब से तो हमें वो फ्यू मंथ्स की डिले की कॉम्पेन्शन uh, मिली जो पेनल्टी अच्छा आपने वो जो, जो आपने 36 सिक्स हाँ, मंथ का जो क्लॉज उधर हाईलाइट किया उसके वजह से जो उन्होंने उन्होंने थोड़े मंथ्स के डिले थे पेपर्स वो सब डाला हाँ, तो उसको उनको बेनिफिट मिल गया जी ओके okay. तो वो उन लोग को याद में आया कि ये ये जो ब्रोकर है ये तभी भी ब्रोकर नहीं है बट ये कस्टमर के बारे में सोचता है जो हम लोग ने पूछा नहीं ये आज मिस हो गया होगा कभी कभी क्या होता है एक्साइटमेंट में आ, मैं देखता हूँ आज बॉम्बे में भी जो घर है या पूना में घर है जैसे मैंने बताया मैंने भी इन्वेस्ट जो किया था आज मेरे पास समझो बड़ी गाड़ी है या एस है वो वहाँ ही नहीं होती है क्योंकि वो डिज़ाइन वो वो टिकेट के हिसाब से 1990 के हिसाब से की थी हैश पैग वगैरह ये सब चीज़ आ, हाँ, का उतना ट्रेंड ही नहीं था तो आजकल क्या है पार्किंग इज असेट आज बॉम्बे में हम देखें तो आज गैराज है आदमी के पास साउथ बॉम्बे में तो कुछ भी कुछ भी प्राइस मांग सकता है क्योंकि वो असेट है तो आज भी जब समझो मैं भी खुद पर्सनल इन्वेस्ट करूँ तो मैं हमेशा समझो मुझे लैंडलॉर्ड बनना है मैं ऑफिस में इन्वेस्ट करूँ तो मैं टू व्हीलर पार्किंग फोर व्हीलर पार्किंग सब ले लेता हूँ क्योंकि आज जो टेनेंट वहाँ आएगा वो तो ज़रूर अपने स्टाफ के लिए बोलेगा पार्किंग चाहिए क्योंकि आजकल पार्किंग भी टाइट है इट्स अ इशू तो ये सब क्वेश्चंस मैं हमेशा क्लाइंट को तो हूँ आज आपके पास दो गाड़ी है आप तीन की प्लानिंग करो सो लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ये क्या है ये प्राइस ऊपर ही रहता है और फिर जब डेवलपर अपना पार्किंग बेच देता है फिर मुश्किल हो जाती है पार्किंग तो दिस इज द होल थिंग तो ये एक सीख जो थी एज आई टोल्ड यू नाइनटीन नाइन्टी से मेरा सिर्फ कस्टमर फोकस है कस्टमर शुड भी सेटिस्फाइड दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट आई हैव ऑलवेज सीन जे जब हम कस्टमर के लिए काम करें उनके इंटरेस्ट के लिए काम करें बिजनेस विल कम दे फॉर मनी विल कम एंड मोर ओवर दे कि भाई ये आपके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा सो so, जब लाइफ इंस्परेशन आपने जब चालू किया तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैव अनदर पार्टनर ऑल्सो ये सब चीज़ें और क्या स्पेशलिटी थी uh, एंड आपके पार्टनर की क्या ऐसे कुछ इंडिविजुअल स्पेशल चीज़ें हैं जो कि आपने एक साथ में कॉल करके आगे ये सब स्टार्ट रखा तो uh, ए, 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 उन दिनों में आफ्टर आई बिकेम अ अटर राइट आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी लाइफ इंस्पिरेशन माई द फीडबैक वॉट आई यूज टू गेट वॉज फ्राम अ फ्रेंड ऑफ़ फ्रेंड लाइक आई टोल यू एन आर आई हो और मुझे ये वर्टिकल में uh, एक स्पेशलिटी करनी थी कि कोई भी एन आर आई अपने रिटायरमेंट के बाद या जभी भी उनको यहाँ रीलोकेट करना है तो आई वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन दैट बिकॉज आई कैन कम्युनिकेट डिजिटल में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ एंड आई कैन आज द राइट क्वेश्चन एंड गाइड दैम देट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट तो um, uh, क्या हुआ मुझे एक uh, ट्रिप करना था तो मेरे एक वेरी वेरी डियर फ्रेंड इज अ ब्रदर और मोनिश एंड ही वॉज अ पास्ट डेवलपर ही हिमसेल्फ इज़ अ लैंड लॉर्ड टूडे वो जे वी में भी uh, काम करते हैं एंड ही सेट आई रिक्वेस्टेड एम आई सेट येस वी शुड वर्क टूगैदर आई सेट बिफोर वी स्टार्ट दैट कैन वी कैन यू हेल्प मी एंड लेट्स गो मेक अ ट्रिप तो हम दो चार बार समझो दुबई गए हांगकॉन्ग गए थोड़े एन आर आई से मिले और हम लोग मानो ना या ना मानो ब्रोशर लेके नहीं गए कुछ सेल्स का प्लान भी नहीं था कुछ सेल करेंगे सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड्स थे हमारे डेक हाथ में और हमें अपॉइंटमेंट दुबई में सिर्फ पाँच एन की थी हम गए आप मानोगे नहीं दस दिन में वी टच टू हंड्रेड एंड टेन वेल प्लेस्ड एन क्योंकि रेफरल मिल जाता है कि आए हैं बॉम्बे से ये बेचने नहीं आए हैं सिर्फ बातचीत करने आए कि उनका व्यू क्या है और ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ भी मुझे मिले क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जीबिशंस या यू you नो know, तो तब रेरा नहीं था यहां mm -hmm. तो जब मैं वही बोलता हूं कि अगर यहां क्या होता है अच्छा जब कुछ काम करे तो कैसे रेफरल मिलता है मुझे सेम वे वहां कुछ किसी ने भी बुरा किया होगा चाहे वो डेवलपर पे फॉल्ट हो या ब्रोकर ने ओवर सेल किया हो या कुछ भी हो वो अगर डिलीवरी नहीं मिली इंडिया का नाम खराब होता है ब्रोकर का नाम खराब होता है इंडस्ट्री का नाम खराब होता है तो रेरा जैसे मैंने 2010 में वो सवाल एक किया था वो फॉर मी इट वॉज़ आई न्यू 2017 वो मैं आता हूँ उसके ऊपर तो 2015 में हम लोग ने जब दो 210 तो, एनआरआई से मिले तब यहाँ एक प्रोमिनेंट डेवलपर है आ, उनके सेल्स टीम वहाँ थे वाइस प्रेसिडेंट लेवल से और उन्होंने देखा कि भाई इन लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इनके तो मैंने बोला आप लोग को कुछ स्पेशल इवेंट करना है कुछ लॉन्च का लॉन्च का तो हम लोग कर सकते हैं कुछ तो यही यही साल में टू थाउजेंड फिफ्टी सिक्सटीन वी डिड अ वेरी गुड रेड कार्पेड लॉन्च दे डिड देर एंड अराउंड वन सिक्सटी सेवन ऑफ माई पोटेंशियल क्लाइंट्स केम एम देर बट तब डीमोनीटाइजेशन uh, आ गया था जब ऐसे डिमोनीटाइजेशन uh, या जी या रेरा Um, you know, uh, बेनामी एक्ट ऐसे सब जब आते हैं ना तो सब लोग फेंस सिटर्स हो जाते mm -hmm. हैं uh, क्योंकि mm -hmm. उन लोग को क्लैरिटी चाहिए तो वही हुआ बट मोर एस वी गॉट अ गुड ऑडियंस वी गॉट अ गुड दे लिसन टू हाउ द बिजनेस मॉडल इज दैट वी विल गिव क्लैरिटी एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन वी फॉर्म द एल एल पी सो मोनिश इज माई पार्टनर टूडे ना यू इमेजिन द एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ऑफ अ डेवलपर ही इज अ लैंड सो वी बिलीव इन रियल एस्टेट एज अट क्लासै क्लास आज असेट में सिर्फ शेयर्स और एफ भी नहीं एक रियल एस्टेट भी होना चाहिए आप लैंड हो सकते हो एडवांटेज क्या है जब आप लैंड हो आपको जो मंथली रेंटल इनकम आता है वो पैसिव इनकम होता है मनी इज मेकिंग मनी ऑन द साइड मॉर ओवर एज एंड वेन इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एज एंड वेन डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैपिटल अप्रिसिएशन देता है फिर आप एग्जिट कर सकते हो फॉर अ लार्जर प्रॉपर्टी दूसरा कोई जो बोलेगा मुझे लैंड बनना है वो लेगा एग्जिट्स के ऊपर भी मौके मिलते हैं और एक और एक जो चीज़ मैंने एक्चुअली uh, सुनी भी है आपके बारे में देखा भी है इतने सालों में आप साथ में रहते हुए कि इतना ज़्यादा एजुकेशन मैंने किसी रियल एस्टेट ब्रोकर को देखा नहीं कि आज भी वो परस्यू कर रहा है तो यू हैव मल्टीपल यू हैव डन मल्टीपल डिग्रीज एंड ऑल इन थ्रू आउट Uh, मैं जब से देख रहा हूँ रियल से रिलेटेड तो इतने सारे चीजों की एक्चुअली जरूरत है अगर है तो क्यों है ऐसा आपको so, तो, like so थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आप uh, तो था, था तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग बिकेम इजी विच ओवर वी हैड अ डिजाइन स्टूडियो एंड प्रिंटिंग बट अगेन इफ यू सी मेरा मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ऑर्डर्स आते थे हम क्लाइंट फोकस रखते थे कि डिलीवरी टाइम पे देना है क्वालिटी के साथ देना है तो वो 32 इयर्स तो आज 33 इयर्स होने को आए है उसके लिए तो जब मैं रियल एस्टेट में आया क्लाइंट फोकस तो ऑलरेडी था मेरा दो चीज़ इंपॉर्टेंट है रियल इस्टेट में एज अ रियल्टर एज अ ब्रोकर के एक्सपीरियंस होना है जो एक्सपीरियंस था मुझे मार्केटिंग की बट एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट आज मैं ये इंडस्ट्री में देख रहा हूँ कितने चेंजेस आ रहे हैं द वे टू सेल द एक्सपीरियंसेस डिजिटल तो 2017 के बाद उसके बाद काफ़ी ट्रिप्स हुई मेरी और मोनिश की और काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी आए हैं इंडिया से प्रीलीज डील्स भी हो गई थी ये कोविड के पहले जब कोविड आया था उसके पहले ही मैंने एक एसोसिएशन जो पुणे की अपनी एसोसिएशन है प्रॉप प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे वो मैंने ज्वाइन की थी तभी जूम मीटिंग होती थी और इमिजिएटली जैसे कोविड गया तो अगस्त के महीने में मुझे याद है कि इलेक्शंस uh, uh, आ रहे थे और मुझे बोला गया आप प्लीज़ uh, इलेक्शन uh, के लिए तो थैंक थैंक्स टू द ऑल द मेंबर्स आई वाज ऑन द गवर्निंग बॉडी बट द ब्यूटी इज़ व्हेन वी जॉइन दिस एसोसिएशन यू मेट सच गुड प्रोफेशनल्स एंड आई ऑलवेज बिलीव के वर्क जो होने चाहिए ना यू शुड शेयर द वर्क एक रेफरल सिस्टम आज मैं सिर्फ ईस्ट पूना में सपोज मेरी ऑफिस है वेस्ट पुणे आने के लिए आज एक घंटा लगता है मेरा क्लाइंट को तो टाइमिंग के हिसाब से या आज मुझे चार क्लाइंट की मीटिंग है समझो ईस्ट पुणे में मैं वेस्ट क्लाइंट को बोल नहीं सकता है, रुकी है आज मेरा रजिस्ट्रेशन है या आज मेरा मीटिंग है तो कोई समझो वेस्ट क्लाइंट में आज मेरा रियल्टर फ्रेंड है एसोसिएशन के तो उनके साथ रेफरल कर सकते हैं सिमिलरली दे विल गिव अस रेफरल फॉर ईस्ट इन पूना दिस इज डज इन एंड हियर व्हेन यू आर अ मेंबर इन प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पूना वी आर गवर्न बाय एनएआर इंडिया सो एन ए आर इंडिया में जब हम कन्वेंशन के लिए जाते हैं वी गेट टू मीट द फेलो रियाल्टर्स विच आर एन ए आर इंडिया मेंदर स्टेट एसोसिएशन के जो तो नाउ यू इमेजिन अवर कनेक्ट आज हैदराबाद में कनेक्ट चाहिए आज पूना में बॉम्बे में अहमदाबाद में लिमिट यू कैन डू मल्टी सिटी बिजनेस सेकेंडरी मार्केट हो प्राइमरी मार्केट हो क्योंकि आज आप रेरा भी नहीं ले सकते इतने प्रैक्टिकल नहीं है ना क्योंकि आप रेरा भी लोगे कोई अलग स्टेट का फिर आपको टीम चाहिए वहाँ तो अगर वो नहीं चाहिए तो रेफरल में आप काम कर सकते हो इस इस दौरान क्या हुआ एन इंडिया ने आर uh, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट सर्वेयर्स यू कुछ टाइप थी विथ एम तो वो एक स्पेशलाइज कोर्स थी एक रियल इस्टेट इट वॉज लाइक अ मिनी एम तो वो एक अपॉर्चुनिटी आई हम लोग के लिए ऑन फाइव ऑफ अस फ्रॉम द पुना एसोसिएशन जॉइंट एंड व्हाट आई लाइक इज वो वीकेंड्स पे होती थी थर्सडे फ्राइडे और शाम के वक्त एंड यू हैव टू ट्रीट दिस टू आवर्स एज इफ इट्स अ क्लाइंट टाइम तो देरी से जॉइन होना और जूम पे थी ऑनलाइन uh, थी एंड द प्रोफेसर्स यू वॉन्ट बिलीव व ऑल इंडस्ट्री एक्सपीरियंसिस ट्वेंटी थर्टी ईयर्स सो द वास्ट एक्सपीरियंस द ब्यूटी इज़ वॉट वी लर्न जो हम लोग ने सीखा रियल इस्टेट अर्बेनाइजेशन रूरल आज हम देख रहे हैं कैसे अर्बन एरियाज uh, कैसे बढ़ेगी जब हम रूरल एरियाज़ में फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट आज uh, कोई क्लाइंट uh, है समझो आता है बोलते हैं ये यहाँ ले लो देखो देखो एयरपोर्ट कितना सा नहीं नहीं यहाँ तो रास्ते बंद है एक ही साइड हुआ है दूसरा रास्ता ये नहीं है तो ये क्या हुआ ये साल में हम लोग देखेंगे ना तभी लैंड एक्विजिशन एक्ट सो एज़ अ ब्रोकर वी लर्न आई लर्न लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है वो एक्ट और uh, 2015-2017 फिफ्टीन में वो एक्ट को हम लोग uh, ये हुआ था सेंटर से तो आज उसमें क्या है फॉर पब्लिक गुड एनी लैंड दैट इज रिक्वायर्ड दे गिव अ वेरी गुड कॉम्पेसेशन टू द लैंड ओनर सो दिस इज वाई इफ यू सी आज एयरपोर्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट हाउ डिड आई स्टडी ये हमारा प्रोजेक्ट था लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो आ रहा है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे और विच इज टू हैव टेन नॉन वेज इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट एज एन इंडियन सो ये हम लोग ने में भी सीखा थोड़ा एक प्रोजेक्ट वर्क था वहाँ का एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट जब हम एयरपोर्ट जब हम डिक्लेयर करते हैं लैंड एक्विजिशन इज नंबर 1 फाइनेंसिंग टू मेक द एयरपोर्ट इज नंबर टू तो जो मैंने स्टडी किया था ये एयरपोर्ट का जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है लैंड एक्विजिशन वॉज ऑलरेडी डन एंड जूरे के अपॉट एंड आई थिंक द यू पी गमेंट ऑलरेडी हेड गॉट द मनी इन प्लेस सो इट सो ब्यूटिफुल इन गेटिंग ऑल दिस नॉलेज देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट वैल्युएशन वैल्युएशन आज समझो उसमें कम्पेरेटिव सेल्स कंपेरिजन भी होती है सो so समझो एक फ्लैट किस को बेचना है तो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है तो जब ब्रोकर को हो डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग इन दैट एरिया यू विल नो सेल्स कम्पेरिजन कि भाई लास्ट फ्लैट कैसे गई मगर आज वो गार्डन फेसिंग है तो ज़्यादा mm -hmm. पैसे मिल सकते हैं प्रीमियम आज वो रोड फेसिंग है तो कम हो सकती है हाई फ्लोर पे ज़्यादा हो सो so, ये सेल्स कंपैरिजन सिखाया गया हम लोग को फिर कॉस्ट मेथड लॉट ऑफ दे वॉज अनदर थर्ड मेथड दैट वॉज टॉट टू अस आस आई एम ट्राइंग टू सेज आज एक समझो कमर्शियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल uh, प्रॉपर्टी दो तीन साल है अभी वो लैंड uh, लॉट को एग्जिट चाहिए टेनेंट तो लॉक इन में है तो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट हम लोग दे दे सकते हैं स्टडी भी कर सकते हैं अगर किसी को हमारे क्लाइंट के लिए हमें देना है ये सब इम्पॉर्टेंट है दीज आर ऑल चेंजेस विच आर कमिंग हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा तो ये स्टडीज इज़ सो इम्पॉर्टेंट तो दिस इज़ वॉट एंड आई डिड आई थिंक सम फोर्टीन और डिफरेंट सर्टिफिकेट एक्चुअली मुझे वही जानना कि ये जो सर्टिफिकेट अपने फोर्टीन फिफ्टी सर्टिफिकेशन की है तो ये एक्चुअली कौन से कौन से इसमें है यानी क्या, क्या तो ये फर्स्ट वाला जो मैंने किया था ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट सर्वेयर्स का किया था विच इज़ लाइक अ मिनी एम बी ए फॉर रियल इस्टेट एजेंट्स ये करीबन साल भर का कॉस है बहुत सारी सीख मिली बहुत सारी सीख और uh, उसके बाद मैंने एक लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी ऑनलाइन कोर्स था जहाँ रियल इस्टेट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के ऊपर बात uh, बहुत सीखने को मिलता है एशिया मॉडल यू के में और वो सब सेम प्रिंसिपल स्टडीज़ तो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी होती है वो भी सीखने को मिली एंड ये सब शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज थी सो तो ये करीबन तीन महीने का था उसके बाद बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज कपल ऑफ आवर्स मैंने किए हैं अबाउट सस्टेनेबिलिटी अभी सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मैं आपको बताता हूँ अभी अब हम देखें तो आज सब बोलते हैं मुझे इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है और वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी बोलती है कि हम आपको फ्री इंस्टॉलेशन देंगे आप मेरे से लोगे तो वो तो ठीक है वो पावर वो वहाँ से कहाँ से आएगा अपने घर से तो नहीं आएगा तो अगर डेवलपर ने हैंड किया है सोसाइटी या वो डेवलपर ने अभी तक हैंड नहीं किया है तो एमएससी से परमिशन लेना चाहिए कि भाई हमारी ग्रिड की कैपेसिटी कितनी है बिल्डिंग की उन लोग परमिशन देंगे कि भाई आप हम लोग इलेक्ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि आज समझो ओवर कैपेसिटी हो गया तो वो ट्रिप होते जाएगा और वो बिल्डिंग में अगर जेंसेट है तो आप सोचो जो प्रिंसिपल जिस चीज़ के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं वो चार्ज डीजल <laughs> तो इट इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्टी थिंग so what is important is sustainability model esg what is coming in today when you know a lot of companies want to go to net zero they have a plan india has a plan you know all companies have their plan they want to do a esg audit so sustainability model and i am seeing लॉट ऑफ डेवलपर्स टुडे इवन इन कमर्शियल बिल्डिंग्स आर कमिंग विद द लॉट ऑफ सस्टेने आई थिंक दिस अ यू एस पी यू एस पी है ये प्रोजेक्ट का कि भाई आज हम लोग ये कर रहे हैं ये सोलर पैनल ये स्पेशल ग्लास फ्यूचर में हम लोग स्पेशल ग्लास यूज करे वो सोलर पावर एबजॉर्ब करके इन इमेजिन वही पावर हम ग्रिड को दें और वो हमारे लैपटॉप को और इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करें या इलेक्ट्रिसिटी दे वो बिल्डिंग में फ्यूचर और वी नीड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनर्जी नॉट ओनली रिलायंग ऑन पेट्रोल एंड सो वी आर हेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स सो वी आर सिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग एन डैट वे फिर में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे आज फ्रैक्शनल इज कम सो so आज फ्रैक्शनल जब फ्रैक्शनल प्ले आई है तो वहाँ देखेंगे हम दो जो प्रिलीज मॉडल है जो रियल इस्टेट एक्चुअल ब्रिक और मोटर में खरीदना चाहते वो तो खरीदेंगे वो दे बिलीव इन रियल इस्टेट मुझे दिखना चाहिए मैं लैंड लॉड हुई है बिल्डिंग का मैं लैंड लॉर्ड हुई है शोरूम का ये दस शोरूम मेरे हैं पूना में या बड़े वो तो uh, आज फ्रैक्शनल जो आई है समवेयर आई फील इट हैज़ ओपनड अप द एवेन्यूज फॉर पीपल हु कूड इंट अफोर्ड दे वॉन्टेड टू टेक अ कमर्शियल मुझे चाहिए वो कमर्शियल आज समझो एक ऑफिस है मैं बता रहा हूँ एक एवरेज समझो गुड बिल्डिंग में 2000 हजार स्क्वेयर फीट सेलेबल एरिया बिल्टअअप पे दो करोड़ की है एक बात सब लोग तो नहीं कर सकते एक लेवल तो वो बोलेंगे मुझे भी लैंड बनना है मुझे भी पैसे इनकम चाहिए तो आज ये फ्रैक्शनल ने ऐसे uh, समझो ये दिस इज़ अ गुड डिसरप्शन इन दैट सेंस इफ यू सी इट अलाउज द पीपल इट गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू बाय अ ए ग्रेड प्रोडक्ट टू इन्वेस्ट देयर वेर यू मल्टी नेशनल टेनेंट आउट देयर इन नाइन ऑट परसेंट एट एंडसेंट डिपेंडिंग यूर गेटिंग ट्वेंटी फाइव लैक रुपीज इन्वेस्ट एंड यू आर गेटिंग द रेंटल एज डिविडेंड एवरी मंथ

आई वुड इन कॉल इट अ कॉस्ट इट वॉज जस्ट लाइक लेक्चर जो मैंने अटेंड किया टू सी हाउ दिस वर्क इन द वेस्ट तो वहाँ जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी आई है इट इज नॉट ओनली फॉर रियल इस्टेट आज आपके पास कोई भी असेट हो वहाँ उन लोग टोकनाइज करते हैं और लेट्स uh, ए आज की एक पिक्चर बनानी है पिक्चर की so, स्टोरी है गोल्ड okay, uh, हो, हो आपको आर्ट हो ओके okay. पेंटिंग हो तो यू कैन हैल्टीपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन दैट तो इसको आज ब्लॉक चेन टेक पे कैसे लेते हैं तो फ्रैक्शनल हो जाता है ये एक तो लाइक आई सेड हमारे स्टॉक मार्केट में हम लोग एक शेयर खरीद सकते हैं पांच शेयर खरीद सकते हैं वहां हम लोग दस डॉलर डाल के एक तीन हजार डॉलर का स्टॉक खरीद सकते हैं फ्रैक्शनल में तो सेम वे रियल एस्टेट वहां फ्रैक्शनल में चलता है और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट इज ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स यू कैन सी द मोमेंट कि इसने बेचा इसने खरीदता है इससे और जो पेमेंट आती है जब मैंने मेरा स्टॉक बेचा क्योंकि आज वो रियल एस्टेट ब्रिक और मोटर में एक एक कंपनी चलाती है जैसे यहाँ एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो तो वो हमारे स्टॉक बेचा वहाँ पैसा तुरंत बैंक में आता है टी ज़ीरो एक्चुअली नो वेटिंग और वहाँ चॉइस आती है समझो आपको वो, वो कंट्री अगर क्रिप्टो करेंसी में मानती है और लॉस आज देयर इन प्लेस तो क्रिप्टो में ले सकते हैं यूएस डॉलर में ले सकते हैं यू एस डी सी देयर देयर ऑन डिजिटल करेंसी में ले सकते हैं सिंगापुर बैठ पे ये यू में कर सकते तो यू इमेजिन दिस चेंजेस दैट आर कमिंग हियर सो आई से टुडे सो टिल आई वुड से टू मंथ्स बैक आई यूज टू ऑलवेज थे कि कमर्शियल रियल एस्टेट इज़ मोर बिकम अ फाइनेंशियल मॉडल क्योंकि आज मैं जो पूछ रहा हूँ इन लोग से जो फ्रैक्शनल भी करते हैं कि भाई ये बेचते कौन है हम जैसे ब्रोकर बेचते हैं तो बोलते है, सर, तो हैं सर समझो एवरेज में बीस टक्का तो डायरेक्ट क्लाइंट्स आते हैं एड्स की वजह से डिजिटल में तो आज है और तीस टक्का समझो ब्रोकर लोग बेचते हैं अपने क्लाइंट को पचास टक्का वेल्थ मैनेजर्स बेच रहे हैं मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ तो अगर आज वेल्थ मैनेजर्स बेच रहे ब्रोकर करेगा क्या सही प्र, प्रो, <laughs> टेक आ रहा है समझो वो प्रॉपटेक दैट टेक्नोलॉजी हजार ब्रोकर दो हजार ब्रोकर जुड़ जाते हैं वहां समझो उनके टाइप्स दो हजार बाबा पंद्रह सो ब्रोकर हमारे टेक्नोलॉजी uh, में कनेक्टेड है।, 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 है तो हम आपका मैंडेट पर उठा सकते हैं जॉब तो मैं पूछता हूँ आज ब्रोकर करेगा क्या आपको एडुकेशन नहीं करना है आपको चेंजेस प्लीज देखिए कैसे आ रहा है कितने चेंजेस आ तो रहे हैं तो फ्यूचर में इन्हें जो मैं इलेबरेट कर पाऊँ तो फिनटेक हुआ प्रॉपर्टेक हुआ ये सब साथ में आके डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करेंगे रियल इस्टेट ब्रोकिंग सेक्टर को बट येस बट इफ यू सी द एक्सपीरियंस ऑल्सो वॉट फिनटेक गेट्स इज यू कैन गेट टुडे द होल आइडिया टू डू दैट वाज टू गेट द इंटरमीडिएटरीज जो बीच के ब्रोकर्स हैं, दे यू सेव टाइम टाइम इज मनी यू सेव टाइम यू सेव एक्स्ट्रा ब्रोकरेज कॉस्ट अब जब हम हमें uh, पैसे ट्रांसफर करने हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब क्लियर टेक्नोलॉजी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है अफकोर्स ऑल विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ यू इमेजिन द अदरवाइज इट गोज फ्रॉम वन बैंक टू नदर बैंक नदर बैंक टू नदर बैंक सबका ब्रोकरेज एड होता है दिस इज वाई इट बिकॉज इज अ क्लियर से ट्रांसपेरेंट ले

डिपेंड्स ऑन द कंट्री और अब uh, मैंने तो सुनाया अब हमारी भी डिजिटल एक करेंसी आएंगी इंडिया की सो इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग और अगर एक चीज़ और कि जब डिमोनेटाइजेशन uh, आया इफ़ यू सी द वे वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ आज जो यू पी आई है आज वी हैव टू टेक चेंज एंड गो आज हम किराने वाले के पास जाते थे कैश दो ये वो आज सब लोग अपना उधर क्यू आर कोड लगाते हैं दे आर वेरी हैप्पी भाजी वाला फ्रूट वाला किराना वाला दे आर वेरी हैप्पी आई रोम विदाउट अ वॉलेट मेरे मोबाइल पे है सब नो प्रॉब्लम इट इज़ सो सो इंडिया इज एडवांस आई बिलीव द स्टॉक मार्केट अर्ली अवॉज टी प्लस टू पेमेंट्स वो अवर अ सेल ऑफ शेयर अब टी प्लस वन पे आ गया है टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगी ये टी जीरो हो जाएगा इंस्टेंट पेमेंट तो इट इज़ सो ब्यूटिफुल आई थिंक इंडिया इज एडवासिंग भारत एडवांस कर रहे हैं Uh, ज्योतिष मुझे एक जानना है आपसे कि ये जो डिस्क्रिप्शन आने वाले हैं ये प्रॉपटेक के फिनटेक के तो इसको अगर फ्यूचर में आज जो रियल इस्टेट ब्रोकिंग कर रहे हैं तो उनको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि फिर ऐसे तो वॉश आउट हो जाएंगे वो लोग कि अगर अगर इंडस्ट्री को देखेंगे पहले जैसे आज शेयर मार्केट के जो ब्रोकर हुआ करते थे उस जमाने में तो आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते उसके पीछे रीजन यही है कि टेक्नोलॉजी आ गई तो रियल स्टेट में अभी ये जो टेक्नोलॉजी आने वाली जो आप बता रहे थे तो इसका क्या फ्यूचर में इंपैक्ट हो सकता है पांच साल दस साल के बाद और कॉम्बिनेशन विद महारेरा प्लीज एक्सप्लेन मेरे को ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि ये सब चीजों का क्या हो सकता है आते दस साल में एक तो मैं बताता हूं कि जो ब्रोकर्स हैं आज मुझे एक सवाल भी किया गया कि आप रियल्टर हो मैं ब्रोकर हूं हम लोग काम तो एक ही करते हैं अब अब मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ आज मैं एक बात बताऊँ जब हम रियल्टर बनते हैं तो वहाँ एक कोड ऑफ एथिक्स होता है तो मैंने जब एन ए आर यू एस की मेम्बरशिप भी ली थी वो ईयरली मेम्बरशिप होती है एक कोड ऑफ़ एथिक्स होता है जब हमने की कोर्स भी किया था आर आई सी एस का वहाँ भी कोड ऑफ़ एथिक्स और जब हम एम आर आई सी एस मेम्बरशिप भी लेते हैं जो जो मेरा पेंडिंग है फिलहाल मगर वहाँ कोड ऑफ एथिक्स किया जाए वो कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि हम फेलो रियल्टर फेलो ब्रोकर जो है वो जब रियाल्टर बनेगा कि वो अब उनकी इज्जत करें टाइम की इज्जत करें कस्टमर की इज्जत करें कस्टमर के टाइम की इज्जत करें और पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें जुगाड़ जुगाड़ नहीं चलता उसमें ये सब क्योंकि वहाँ एक कंप्लेन गया आपका लाइसेंस जा सकता है तो आज जो रेरा आया मैं अभी भी बोलता हूँ विच इज़ वेरी गुड दो इट इज़ आई थिंक स्लो इट इज़ कम इन इट लेट बट इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस और ये जैसे ही जैसे बढ़ेगा मुझे लगता है ये सेकेंडरी मार्केट में भी आएगा तो कुछ भी अगर रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन करने हैं आपको सेकेंडरी मार्केट करनी है आपको लीज करना है तो आपको रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर या रियल्टर रियल्टर आप कब बनोगे जब आप एसोसिएशन में जुड़ोगे एन के ऑटोमेटिक आप एन गोल्ड मेंबरशिप आप लेते हो अपने स्टेट एसोसिएशन की तो लोगों को पता नहीं होगा एक्चुअली लोग जो सी पीज़ है वो उनके कंपनी के आगे रियल्टर्स नाम लगाते हैं पर उनको पता नहीं कि ये एक एक्चुअली एन ए के साथ में अगर आप एन के मेंबर हो तो ही आप एनएर के मेंबर हो तो ही आप रियल्टर लगा जी, सकते हैं क्योंकि ये पेटेंटेड पेटेंटेड वर्ड वर्ड है है कोई आर, भी आज एक्चुअली मुझे तो सरप्राइज होता है कि बहुत सारे डेवलपर्स भी रियल्टर लगा देते हैं तो उनको ये पता नहीं कि रियल्टर इज अ अपीराइटेड चीज है ये के साथ में अगर एनएर के मेंबर नहीं है तो आप रियल्टर नहीं लगा सकते वहां पर तो मैं बहुत बताता हूँ ना एक्सपीरियंस ब्रोकर डूइंग वर्क टेकिंग मेम्बरशिप्स ऑफ द एसोसिएशन एंड ऑल्सो एडुकेशन मेक हिम अ रियल्टर बिकॉज जेन यू विल अंडरस्टैंड ये पैसा के ऊपर ध्यान सिर्फ देना आप अपने यू uh, नो you know, सीधा पेशेंस से काम करें अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंट वे एथिक्स के साथ ना मनी फॉलोज यू मनी फॉलोज यू बिकॉज आज सबको क्लीन डील चाहिए आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया है इट इज़ इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट वे Uh, मैं यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई थिंक द ब्रोकर्स शुड ज्वाइन एंड फ्यू ब्रोकर्स हु आई मेट दे सेड ये एसोसिएशन मुझे क्या करेगा ये एसोसिएशन मुझे बिजनेस दे पाएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे पाएगा ये business, ये एसोसिएशन आपको एन इंडिया का मेंबरशिप दे पाएगा ये एसोसिएशन आपको एडुकेशन जो है वो दे पाएगा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कोई नेशनल कन्वेंशन पे जाए फेलो रियल्टर्स से मिले तो जब आप मिलोगे और आप पैन इंडिया काम की, करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये दे पाएगा जो आ, जो आज जो आपके पास है नहीं और दूसरा जो ट्रेनिंग है जो रेरा के लिए ट्रेनिंग चाहिए विच इज़ यू हैव टू टेक द बेसिक ट्रेनिंग ना नहीं तो आप एग्जाम के लिए कैसे बैठोगे तो वन मोर इंटरेस्टिंग चीज़ आज रेरा के अपना टॉपिक निकला है तो मुझे आपको पूछना है एक्चुअली बहुत सारे डेवलपर्स आज Uh, उनके क्लाइंट्स को या uh, जो उनको रेफर करता है जो कि एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं है और उनको uh, कुछ कैशबैक देते हैं या फिर उनको रेफरल मनी देते हैं कुछ कुछ तो मैंने सुना है कि कार्स दे रहे हैं कोई बाइक दे रहा है आप यू जस्ट रेफर अ क्लाइंट टू अस वी विल पे यू दिस अमाउंट डेट अमाउंट तो ये सब चीजें ऐसी चलती रहेगी या इस चीज़ों में ह, think? Uh, आज रेरा ने एग्जाम uh, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑन द ऑन द ब्रोकर राइट इट इज़ नॉट जस्ट मेकिंग अ बायर एंड सेलर मीट और हो गया uh, तो आई थिंक फ्यूचर में ये मेरे ध्यान में भी आया कि कोई जिस डेवलपर के लिए समझो मैं बेचना चाहता हूँ फ्यूचर में और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ वो कंपनी में उन लोग रेफरल दे रहे हैं या टू परसेंट दे रहे हैं तो इरिस्पेक्टिव दे आर नॉट नॉट गिविन द एग्जाम आज हमारे ऊपर जो है कि रेरा पास आई थिंक दिस विल कम इन टू दे विल हैव टू स्टॉप डूइंग दैट और बेसिकली देव टू ओनली गो थ्रूस्टा रजिस्टर्ड ब्रोकर हू इज गिविन लाइसेंस हुव लाइसेंस टू प्रैक्टिस लाइक वी हैव गॉट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस नाउ आईव गॉट इट नाउ इन ट्वेंटी थ्री सो टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी एट आई एम क्लियर

बिल्डर्स आ गए वहाँ कस्टमर भी आ गए तो हम लोग सिर्फ ऐसे सोचेंगे कि रेरा आया है कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डर से वैसे ही मैं बताता हूँ कि कस्टमर्स भी डिफॉल्ट करते थे अपने ई या जो कॉल बनी आता है पर स्लैब फ्रॉम अ डेवलपर ये भी प्रॉब्लम होती थी डेवलपर को तो ये आज ये तीनों जन तीनों कॉम्बिनेशन जो है बिटवीन uh, मैन्युफैक्चरर बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ब्रोकर ये ऑल थ्री हैव टू वर्क टुगेदर एज पर रेहरा सो आई डोंट थिंक दे शुड दे शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस दैट एनी मोर एक चीज़ मुझे जाननी है ज्योतिष आप मुंबई में रहे आपका फ्रिक्वेंटली आना जाना रहता है आप पुना में अभी बिजनेस कर रहे हैं तो पुना और मुंबई ये दोनों में जो डिफरेंस है आज बहुत सारी चीज़ों में तो पूना को आप आते दस साल में कई देख रहे मुंबई के आसपास या फिर प्राइजिंग में मुझे एक्चुअली वो जानना है कि आज मुंबई की प्राइजिंग और पुना की प्राइजिंग में डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस है बहुत बड़ा डिफरेंस हाँ तो ये कई नजदीक आ सकता आ, है मुझे या मुझे तो लगता है बॉम्बे और रेस्ट ऑफ इंडिया ऐसे देखा जाए तो किसी एन ने ऐसे ही फोन किया था और पूछा कि भाई रियल एस्टेट कैसे चल रहा है इंडिया में बोला कौन से भाग में मुंबई में बहुत बात कर रहे हो और रेस्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो बॉम्बे रियल एस्टेट आई फील एज रीच्ड इफ यू सी इन सर्टेन एरियाज एंड सी फेसिंग और डिपेंड दे हैव रीच्ड अ पीक दे हैव रीच्ड अ पीक आई थिंक पूना हैज दैट पोटेंशियल टुडे इट इज़ अ पेन पॉइंट एज आई से ट्रैफिक इज अ पेन पॉइंट बट दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू मी इफ पीपल हैव द पेशेंस जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंस एक वर्च्यू है और जैसे ही ये होगा ये डेवलपिंग की तरफ डेवलपिंग uh, से डेवलप तक आएगा ओनली डिफरेंस ऐसे ही है पुना एक बॉम्बे का हिस्सा होने वाला है एंड द नेक्स्ट टू गो अप इज़ ओनली द रियल एस्टेट डेट आई थिंक टुडे आज मौका है दिस इज द टाइम टू बाय टुडे इज़ द टाइम टू बाय एज इट इज़ वी आर सींग द रेंटल्स गॉन अप इन द लास्ट पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड द वे थिंग्स हैव गॉन अप

फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड दिस के भाई तीन साल में ये रेट ऊपर जाएगा दे आर इन्वेस्टिंग इट्स अ ग्रेट प्राइस आई थिंक दे आर गेटिंग एंड ग्रेट डेवलपर्स इन गुड प्रोजेक्ट्स बट लॉर्ड ऑफ पीपल फ्यू पीपल हैव टोल्ड मी कि मुझे सिर्फ आउटस्कर्ट्स में चाहिए ये ट्रैफिक वो ट्रैफिक मैं उन समझाता हूँ कि भाई ट्रैफिक होगी पेन पॉइंट है ये वर्क इन प्रोग्रेस है आज मेट्रो का काम चालू है जिस दिन वो रस्ते खुल जाएंगे साइड में रोड्स आ रही है इतनी सारी फ्लाई ओवर्स आ रही है पुनाल भी ऑन

I think it went it went over the roof. The the excellent sales were happening there. And even till now, even though it's 8.5, some become बिकम fence sitter. सिटर किनको अगर समझते हैं कि नौकरी जा सकती है या खतरे में तो है तो उन लोग fence सिटर्स हो जाते हैं तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा बट ओवरऑल आई एम सिंग रियल estate इज especially इन दिस रेंज बिलो वन crore. इट इज़ गोइंग वेरी वेल वेरी वेल here इन पूना and uh, also luxury if i'm seeing i have done some luxury during COVID times and um, it, and a lot of it was sold also on uh, or, or digitally because that time there was no travel and people have taken the advantage of the stamp duty because on a large value transaction it uh, made a lot of difference but those were people who wanted to, who were ready to relocate so generally luxury i feel and commercial real estate Tom boomi आई जो काम करते हैं ऑल ओवर द इंडिया और जो नॉर्मली अपने ब्रोकर्स काम करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो नॉर्मल ब्रोकर्स को आई से सीखना चाहिए या फिर आई पी सी ऐसी कौन सी चीज है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स है कि जो एक्चुअली uh, करना चाहिए क्योंकि मैं, मैंने ऐसा बहुत सारी चीज़ों में देखा है सुना है कि एसोसिएशन के साथ जब लोग काम करते तो दे बीट आई पी सीज ऑल्सो कुछ बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर जाते सिंगल हैंडेडली कोई ये कर नहीं पाता है तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है तो आई टेल यू ये क्या है कि आई मतलब इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सो ऑब्वियसली उन लोग के हेड uh, ऑफिस या सब तो फॉरेन में ही होते हैं तो जब कोई वहाँ से uh, समझो यहाँ फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल करना चाहता है कुछ सेटअप करना चाहता है इंडिया में तो उन लोग की टाइप ऑटोमेटिकली है आईपीसी के साथ तो वहाँ uh, उन लोग जाते हैं उन आई के साथ क्योंकि वो मैंडेट हो जाता है तो uh, रही बात के Uh, जैसे आप कह कह रहे हैं कि एसोसिएशन में भी बहुत सारे अच्छे रियल्टर्स हैं जो अच्छे काम करना चाहते हैं अब आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आई के पास समझो कोई हाई टिकट साइज बंगलो भी जैसे होती है वो सब ओनर के ऊपर होती है आज वो ओनर जो है बंगलो ओनर फॉर वॉट एवर रीजन मे बी ही डिन वॉन्ट टू गिव अ ब्रोकर और दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर रियल्टर दैट दे कैन डू यू नो द सेम वर्क ऑर द सेम स्पीड एंड आई पी सीज डेफिनेटली विल चार्ज द वे बिकॉज दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग वेरी प्रोफेशनल बट आई आई लाइक योर सिंग आई अग्री विथ यू तो ये थोड़ा एक चैलेंज है बट आई थिंक द मोमेंट एडुकेशन एडुकेटेड रियल्टर एक होता है एंड इफ़ यू कैन वर्क विद एथिक्स और एंड देन यू कैन यू नो प्रेन ट्राई फॉर दिस काइंड सेल्स ऑल्सो ज्योतिष आपका जो बिजनेस मॉडल है आप दो पार्टनर्स है आपका जो बिजनेस मॉडल ये एक्चुअली रन कैसा होता है आपका डे टू डे ये सब चीज़ें कैसे वर्क होती है तो so, ऑनेस्टी um, हमारा जो है वी वर्क एज अ कंसल्टेंट कोई लार्ज टीम नहीं है क्योंकि मैं जानता था कि जब हमें खुद इनफैक्ट मैं जो फ्रंट फेस हूँ मेरे कंपनी का तो मैंने खुद वो लाइसेंस लिया है मैंने वो एग्ज़ाम देके और लाइसेंस लिया प्रैक्टिस करने के लिए और uh, अगर मुझे एक लार्ज टीम है और मैं लीड्स के ऊपर काम करूं लीड जनरेट करके तो मुझे पहले उनको ट्रेन करना पड़ेगा तो मैं जरा एथिकली जा रहा हूं उस, उस रास्ते फ़िलहाल जो मॉडल है सिंपल है मेरा एक वर्टिकल है जो एन आर रिलोकेशन के लिए है और वहाँ ऑनेस्टली रेफरल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है टेस्टमोनियल्स जो हमें मिलते हैं क्योंकि मैं किसी को फॉस्ट नहीं कर सकता हूँ पुणे आने के लिए आज जब उन्होंने उन, 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 जो एन आर आई है उनको रिटायर होना है तो उन लोग डिसाइड करेंगे चलो इंडिया जाना है आज वैसे तो दूसरी भी ऑल्टरनेटिवस हैं बट समझो उन लोग ने इंडिया डिसाइड किया और मुझे एक व्हाट्सएप uh, एप या uh, एक फ़ोन आ गया तो हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं और जब समझो फिर या डिफरेंट सिटीज़ सपोज आई हैव एड ऑप्शन कभी दिल्ली जाना है या पूना जाना है तो अनलेस आई हैव अ कनेक्ट इन दिल्ली तो देन दे आर फ्री टू डू सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ द एसोसिएशन टुडे आई हैव अ दिल्ली कनेक्ट बट एनी वे सो वेन ऑटोमेटिकली उन लोग बोलते हैं कि मुझे पूना में आना है तो मेरी एक चीज़ आसान हो जाती है देन यू आज द राइट क्वेश्चन कि भाई पूना में आना है एंड देन यू कैन कन्वर्ट नाउट डेवलपर ए प्लस डेवलपर्स अभी जो देख रहे हैं हम कुछ सालों से इनको ब्रोकर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं बची ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोग इनका जो साइकिल अभी जो है ये दो साल में बहुत चेंज हुआ है आफ्टर कोविड यानी बिफोर कोविड भी था पर अभी तो ये जरा यानी इमीडिएटली समझ में आ रहा है कुछ और चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ा ये अपलेट कर पाएंगे ये तो व... हम ये नॉर्मल ब्रोकर जो है जो किसी के साथ जुड़े नहीं है वो कहीं स्टैंड करते हैं या स्टैंड कर ही नहीं पाएंगे फ्यूचर में नो इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जब अब 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 ये जो साइकिल मैं देख रहा हूँ जब हम कोई ए ग्रेड डेवलपर है जब उन लोग रिटेल में आते थे कमर्शियल वी वर हैप्पी दैट यू कुड प्लेस देम एंड स्टाटा साइज ऑफिस ऑल्सो मिक्स साइज और फ्लोर प्लेट भी होती थी एक स्टाटा से नाउ आई एम सींग अ लॉट ऑफ दिज ए ग्रेड आर ऑल्सो गोइंग फॉर सो दे गेट फंडिंग ईजली बी ऑल द फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फिर आई पी सीज बैठे हुए हैं जो उनके उन्हें डायरेक्ट कोई समझो एल ओ आई करा के और ठीक है टेनेंट भी हो गया फिक्स तो ब्रोकर करेगा क्या इसमें ब्रोकर सो दिस इज़ वेर आई से दैट एडुकेशन जुड़िए एसोसिएशन में एडुकेट करिए इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं और मैं खुद ये यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हम खुद आ, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ मैं खुद अभी आ, एक कोई फ्रैक्शनल में भी मैं स्टडी कर रहा हूँ उसको तो मैं ऐसा नहीं है कि बेचने के लिए बेच रहा हूँ आज पैसे इनकम इतनी ज़रूरी है तो जब ब्रोकर का काम बिकॉज ऑफ प्रॉपटेक तो एक चीज़ है दूसरी ये अगर ए ग्रेड डेवलपर स्टाटा साइज ऑफिस नहीं निकाले या वो वो एक और एवेन्यू कम हो जाता है अपना और जैसे प्रॉपर्टिक बढ़ रही है तो इफ़ यू आर नॉट जुड आउट विद दैट प्रॉपर्टेक हाउ आई यू गॉन्ट टू सेल फॉर देट डेवलपर इफ़ दे हैव गिवन दैट कंपनी अ मैंडेट टू सेल तो दिस इज़ वेयर आई एम सींग लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग और जैसे मैं अर्लियर भी बोला कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो है आज एक फाइनेंशियल मॉडल हो गई है आई थिंक मैं वो अब चेंज कर दूंगा ये जो मॉडल्स लाते हैं फ्रैक्शनल वाले अब वो समझ गए हैं कि ग्राउंड अप जैसे ग्रीन फील्ड ग्राउंड अप यहाँ नए हम लोग इन्हें प्लॉट से ही हम लोग करें तो कैपिटल अप्रिसिएशन हम लोग इन्वेस्टर को दे सकते हैं तो आज आप सोचेंगे तो वो भी एक आज एक डिसरप्शन हो गया है बट दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर समबडडी टू अर्न सो यहाँ जो मंथली आपको आरवाई नहीं मिलेगी बट कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगी और जब अगर वो कुछ बी मॉडल है और टेनेंट आ जाएगा तो जैसे उसको उनका रेंटल चालू होगा वो पैसे इनकम आ जाएगा आपको महीने में तो ये सब मॉडल्स चेंज हो रही है दिन बर दिन चेंज हो रही है तो वी हैव टू तो कीप सेल्फ अपडेटेड मैं तो इतना ही कहता हूँ ग्रेट ज्योतिष ये आपने जो बताया अभी तक कि आपके एजुकेशन और ये सब चीज़ों के वजह से बहुत सारे चेंजेस पर मुझे कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाए जिसके आपके एजुकेशन के वजह से या फिर आपके कुछ कोलेब्रेशन के वजह से डेवलपर के क्लाइंट को बेनिफिट हुआ क्लाइंट ने उसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले लिया तो ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस आप हाँ, प्लीज शेयर कीजिए मुझे जी तो uh, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक विच इज़ आई वुड लव टू आंसर कि एक चीज़ जो है जब मैंने वो आर के कोर्स की थी और जब हम मेंबरशिप लेते हैं मेंबर ऑफ द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज एथिक्स पॉइंट नंबर टू इज इट इज़ नॉट अबाउट मी इट इज़ नॉट अबाउट द रियल्टर इट इज़ अबाउट द क्लाइंट हाउ डज हाउ डज द क्लाइंट बेनिफिट डीलिंग विथ यू दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ एक आ, बात बताना चाहता हूँ एक डेवलपर था तो वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग लॉन्च कर रहा था और आ, तब वो रेजिडेंशियल था दिस इज़ इनिशियल जब प्लान फिर उनको एक आइडिया आया कि मैं जब फुल रेजिडेंशियल बना रहा हूँ एंड फुल्ली लोडेड और ईस्ट पूना में तो बोला कि मैं तभी उन्होंने एक आइडिया आई और एक डील ऐसे स्टिच कर दी तो ही मेट सम थ्री फोर डिफरेंट ऑपरेटर्स हु सर्विस ऑपरेटर्स हु रन थ्री स्टार होटल थ्री फोर स्टार होटल सो एक जन के साथ अच्छा जो मैथमेटिक्स बैठता है जहाँ डिसेंट आर ओ आई मिलती है तो एक काइंड ऑफ एल ओ आई एम ओ यू जो होता है वो स्टिच कर दिया और जो हमने हमें वो ट्रेनिंग दी गई कि ऐसे मॉडल है तो काफ़ी यूनिट्स मोनेशोर मैंने भी वहाँ बेचे वो मॉडल समझ के अब ये कैसे हो सकता है अगर एडुकेशन नहीं होता था मुझे प्रीलीस का खाली रेजिडेंशियल सेल कर रहा हूँ और ये प्रीलीस तो इमिजिएट भी नहीं थी क्लाइंट तो अंडर yeah, कंस्ट्रक्शन आ रहा है और अफकोर्स चेंज ऑफ यूज़ हो गया था ये कमर्शल बिकॉज नाउ इट्स बिकम अ प्रीलीस कमर्शल मॉडल तो चेंज ऑफ यूज़ तो इन एनी वे सो तब हम जब मिले तो इन्वेस्टर्स से मिलते थे तो इन्वेस्टर्स कैसे एडुकेटेड है रियल्टर है तब वो बात करते हैं कि भाई बात समझेंगे तो तब वो डील थी वो आज भी वही डील है पाँच टक्का आर था रिटर्न व्हेन यू इन्वेस्ट इन द स्टूडियो अपार्टमेंट और तब डील कुछ uh, दो टाइप की स्टूडियोज़ थी एक uh, और सबके एरियाज उन्नीस बीस अलग ही थे तो uh, एक थी सिंगल रूम स्टूडियो एक थी वन बेडरूम स्टूडियो तो जब वो कोविड के टाइम पे भी कंस्ट्रक्शन जैसे लॉकडाउन uh, था वो टाइम पे छः महीने का जो टाइम था डीले था बट हो गया और यू वॉन्ट बिलीव इट ये स, जब सर्विस uh, ऑपरेटर ने भी लिया उन्होंने उनके नब्बे दिन थे फिटआउट्स जो उनको करने थे ये फिट आउट के साथ था बट उनको जो लिन इन लिन इन लगाना था और उनके स्टाफ को ट्रेनिंग करना था फाइव परसेंट तो चालू हो गई थी उनकी जैसे ही मीटर चालू हो गई द ब्यूटी ऑफ दिस डील वॉज ऑल्सो दे वॉज

उसकी भी एक परसेंटेज जाती थी ओनर्स को एज एक्स्ट्रा और विच अवर वॉज हायर एंड टुडे आई थिंक द क्लाइंट्स हाउ दे आर हैप्पी कस्टमर्स हु बॉट वेदर दे बॉट थ्रू मी बट आई वी सॉल क्वाइट अ फ्यू यूनिट्स और थ्रू अदर दे आर इंजॉइंग ओवर एट एट एंड एंड हाफ परसेंट ऑल्सो समटाइम्स इट टच इज इवन नाइन डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग एंड पोस्ट कोविड एज वी हैव सीन इवन द फाइव स्टार होटल्स वर गोइंग पैक टूरिज्म टूक यू नो एवरीबडी इज ट्रेवलिंग होटल्स एंड सो वेन अ फाइव स्टार इज फुल एंड देर रेट्स वेंट अप थ्री एंड अ फोर स्टार एंड दिस मॉडल वॉज नॉट ओनली वन रूम दे व ग गिविंग फॉर शॉर्ट स्टेज टू इवन कंपनीज बिकॉज दे हैव एम्प्लॉयज कमिंग फॉर ट्रेनिंग दे टिकट फॉर थ्री मंथ सिक्स मंथ्स द मॉडल इज सो गुड आई एम हियरिंग एटी टू नाइनटी परसेंट इट्स ऑलवेज ऑक्यूपाइड तो कस्टमर बेनिफिटेड इन दिस काइंड थिंग बट आज इफ आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे स्टिच होता है डील और यू एक्सप्लेन आई कैन बी सेलिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये ये मॉडल कैसा था तो आई थिंक द कस्टमर इज़ दे देप्पी दे लुक फॉवर टू एनी मोर सच थिंग्स बिकॉज आज तो एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन हो चुका है वहाँ वो एरिया का कैपिटल अप्रिसिएशन और मेरे हिसाब से जैसे रोड में बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा हूँ वर्क इन प्रोग्रेस है पूना में आई कैन टेल यू स्काईज ग्रेट ज्योतिष फ्यूचर ऑफ इंडिया फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडिया का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप एज़ पर रियल इस्टेट के बैकग्राउंड से कि फ्यूचर कहाँ जाएगा आज रियल इस्टेट india may. sir, i think the geopolitical situation, or a lot of uh, multinationals want to set up their services or manufacturing in india. infrastructure is going on in a very big way. you're seeing warehousing, um, you know, all these kind of things that are going on. and most important, which is our plus point today, are the, is the young population, the educated population who are raring to go and sky is the limit. Today, you know, the kind of why why so many companies which today one would go abroad and buy those things, right? Buy only elite few. Today those kind of stores are out here. Because that's the kind of spending that is uh, you know possible here. And they are seeing the potential with the young Indians, the aspiration class. They are also, you know, girl, tenant bante if you have salary uparjati, bank loan loanagar match otahet if to both husband wife are working. Then you even become owners of house, and today with fractional real estate, therefore fintech, prop tech. That's what I'm saying. When they come together, and if they can manage the 25 lakhs, or today if it falls to 10 lakhs, your passive income starts at a young age. So I think India future is bright, and uh, these are the main things. And I think even tourism-wise, we will attract a lot of people. So lot of if you see houses in uh, uh, hill stations or even in Goa and all. टूडे वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी यू नो लाइक यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अवलेबल दे यू कैन रेंट आउट आई थिंक रियल स्टेट प्राइसली ग्रेट ग्रेट थैंक्स जोतेश आज पॉडकास्ट में आने के बाद आपसे बहुत सारी चीजें सीखने मिली ऑब्वियसली हमारे फॉलोअर्स को हमारे सब्सक्राइब्स को भी बहुत सारी चीजें आज आपसे जानने मिली थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर यू थैंक यू